तो दोस्तों, आपको आईपीएल देखने में कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि आईपीएल शुरू हुआ है धमाकेदार तरीकों से। हर मैच आईपीएल का बहुत उतार चढ़ाव भरा मैच हो रहा है और हमें तो देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। लेकिन आईपीएल के जो एक्स फैक्टर से सभी पॉपुलर प्लेयर्स नहीं होते, इनमें से कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं। कुछ मैच अच्छा खेलते हैं, बाद में इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। ऐसे ही आज मैं 5 प्लेयर के नाम आपको बताने वाला हूँ जो कि आईपीएल के इतिहास में खो गया है, यानी फॉरगॉटन हीरोज ऑफ आईपीएल। जुड़े रहे मेरे साथ रहस्य में, जब कुछ बताने वाला हूँ। पहले नंबर पे आते हैं सिद्धार्थ त्रिवेदी। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला करते थे सिद्धार्थ, बहुत साल खेले हैं। उनका बॉलिंग का रफ्तार, लाइन लेंथ बहुत ही अच्छा था, एवरेज बोलिए या उनका बॉलिंग स्टाइल, सब कुछ ही बहुत बढ़िया किस्म था। 2012 साल में उन्होंने 25 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे और ये आईपीएल इतिहास के वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग फिगर माना जाता है। लेकिन कुछ एडिशन होने के बाद सिद्धार्थ को कोई भी टीम नहीं मिल रहा था और अभी ये आईपीएल के फॉरगॉटन हीरोज के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसके बाद आते हैं पॉल वेलसिटी। 2011 साल में पॉल वेलसिटी बहुत नाम कमाए थे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। 2011 साल में उन्होंने 100 रन बनाए थे, जो कि एक बहुत उम्दा किस्म का प्लेयर उनको माना जाता था तब। 2012 साल में भी वो किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेले और पंजाब के ओपनर थे। 23 मैच में उन्होंने टोटल 505 रन बनाए थे, उनका एवरेज थे 23। इन्हें बाद में इंडिया टीम में भी चांस मिला था, लेकिन ये खास कुछ कर नहीं पाया। धीरे धीरे ये आईपीएल और फैंस के दिमाग से वाइप आउट होते होते अभी आईपीएल में इसे नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इसे कोई टीम ही नहीं मिल रहा है। तो ये भी है आईपीएल का एक फॉरगॉटन हीरो। इसके बाद आता है त्रिमुला सुमन। 2008 साल में ये हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स की ओर से अपना आईपीएल करियर का स्टार्ट किए थे। ये वन डाउन बैट्समैन के हिसाब से खेलते थे डेक्कन चार्जर्स में। 2008, 9, 10 साल इनका बहुत अच्छा गया था। 2010 साल में उन्होंने 14 मैच में सिर्फ 307 रन किए थे, 2 अर्धशतक भी थे इनके नाम। 2013 साल तक ये आईपीएल खेले। 2010 के बाद इसे टीम में इरेगुलर रखा गया था। बाद में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेले थे ये, लेकिन अभी बहुत दिन हो चुका है इनको आईपीएल खेले हुए और ये भी चला गया है आईपीएल के इतिहास के पन्नों पर। इसके बाद आते हैं वेणुगोपाल राव। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि वेणुगोपाल राव इंडियन नेशनल टीम के लिए भी खेल चुके हैं। 2008 साल में आईपीएल के शुरुआती सीजन में वेणुगोपाल राव ने 11 मैच में 288 रन बनाए थे, उनका औसत था 36। 2011 साल में दिल्ली का सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था और उसके बाद ही उन्होंने इंडियन नेशनल टीम में अपना जगह बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका बैटिंग खराब होता गया और आईपीएल में किसी भी टीम पे जगह नहीं मिल रहा है। इसके बाद आते हैं फेमस इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा। क्या आप जानते थे आकाश चोपड़ा भी खेले थे आईपीएल? 2008 और 2009 ये दो सीजन आकाश चोपड़ा केकेआर की ओर से खेले थे। 2011 साल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेले थे। पहला आईपीएल सीजन इनके लिए बहुत अच्छा गया था, लेकिन धीरे धीरे इनका बैटिंग परफॉर्मेंस खराब होता गया। आखिर तक तो इनका एवरेज 8.33 हो चुका था और स्ट्राइक रेट था अंडर 75। इसके लिए आकाश चोपड़ा भी चले गए थे इतिहास के पन्नों पर। तो दोस्तों, इनमें से किन के बारे में आपको पहले से ही पता था, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों अभी कमेंट का।